आप देख रहे हैं ग्रामीण टीवी समाचार। हमारी खबरों से अपडेट रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन को भी दबा लें। जनपद संबल में आई झोला छाप डॉक्टरों की बाढ़। मुख्य चिकित्सा अधिकारी तरन्नुम रजा ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग को प्रशासन का सहयोग नहीं मिल पा रहा है। जिला अधिकारी के आदेशों के बावजूद भी झोला छाप डॉक्टर अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। झोला छापों एवं नर्सिंग होमों द्वारा स्वास्थ्य विभाग के नियमों को ताक पर रखकर अस्पताल में डिलीवरी से लेकर ब्लड चढ़ाने प्रत्येक तरह के ऑपरेशन करने का काम किया जा रहा है। डॉक्टर सब कुछ जानते हुए भी मरीजों की जान से खिलवाड़ करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। देखिए जिला ब्यूरोची मुकेश कुमार की विशेष रिपोर्ट। जनपद संबल में जो झोला छाप डॉक्टर जो है धरले से क्लिनिक चला रहे हैं, तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी विभाग द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है उन पर? नहीं, हमारे विभाग द्वारा तो पूरी कोशिश है कि ये सब झोला छाप का बंद हो पूरी तरह से। इसीलिए हमने और डीएम सर से मिलके जो है एक टीम भी बनाई इसके लिए कि हर तहसील में उस तहसील का डिप्टी सीएमओ सीओ और एसडीएम रहे मिलके काम करें और इस चीज़ को बंद कराएं। लेकिन होता ये हैगा कि एसडीएम और सीओ को टाइम नहीं रहता है, वो जा नहीं पाते हैं, तो खाली डॉक्टर ही जाता हैगा, एफआईआर करके बंद करके आ जाता है। फिर उसके बाद फिर वो खुल जाती है कि अब इस पर जो हैगा पुलिस वाले और ये सब लोग कुछ एक्शन नहीं ले पाते। तो ये पूरी तरह से अभी देखा गया कुछ ही महीने से शुरू हुआ, भाई कुछ महीने हमें तो दो ही महीने आए हुए हो, तब डेढ़ महीने से शुरू हुआ लेकिन कामयाब नहीं हो पा रहे। तो इस बारे में फिर हम और कुछ इस विषय में सोचेंगे कि और कुछ किया प्रयास किया जा सके जिससे कि ये पूरी तरह से सफल हो सके। और जो है डॉक्टर द्वारा तो जाके विजिट होके बंद किए ही जा रहेंगे लेकिन उस पर आगे कोई कार्रवाई नहीं। अच्छा, कल आपके प्रॉपर बैजो में एक प्रकरण आया था जिसमें कि एक डॉक्टर के द्वारा ब्लड चढ़ाने से महिला की मौत हो गई थी, उस पर आपके विभागीय अधिकारी वहाँ पहुँचे थे, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? इस संबंध में वो डॉक्टर संतोष ने वहाँ पे देखा है का अस्पताल को सीज कर दिया, एफआईआर हो गई, आगे उस प्रकरण की मतलब पूरी और जांच पड़ताल होगी। उसको वहाँ से वो आयुष का डॉक्टर था शायद, उसको मुरादाबाद से उसका सर्टिफिकेट मिला हुआ था, रजिस्ट्रेशन हो रखा था तो आयुष वाले, लेकिन रजिस्ट्रेशन के बाद भी ब्लड लेट तो नहीं चढ़ा सकते, आयुष की अपनी दवाई दे सकते हैं। बाकी ये सब तो मेजर काम तो एमबीबीएस डॉक्टर के, वो ये नहीं कर सकते। अच्छा, जैसा आपको बताना चाहेंगे सलारपुर कला और जालम सराय में डॉक्टर जो है काफी मात्रा में बैठे हुए हैं और दर्जनों के हिसाब से क्लिनिक चल रहे हैं, इस संबंध में कई बार आपको बताया गया है लेकिन आपकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की, क्या कहना चाहेंगे? अब इस संबंध में हम जो है वो कार्रवाई तो किए होंगे थोड़ी बहुत, लेकिन हम अब उनको एक लेटर, फिर डॉक्टर संतोष देख रहे संबल उनको लेटर जारी कर देंगे कि ये जो जगह है जहाँ पे ज्यादा हो रहे जाके फिर से देख के बंद करके सीज करके और उसका हमें उत्तर दें, उसकी आख्या हमें प्रस्तुत करें कि क्या किया उन्होंने।